संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया, उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं संसद के प्रांगण में, उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए, और वो उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लगते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तोहिन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया है, कैमरामैन। मुझे गोरखपुर में हमारे सांसद रवि किशन जी मिले, वो कह रहे थे कि हमारे भोजपुरी स्टूडियो में भी कैमरामैन की जगह खाली है, अगर एग्जामिनेशन दे तो हम विचार कर सकते हैं ऐसे कैमरामैन के। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई, आप बताइए इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मित्रों, यह एक तरफ क्या कहते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी जी क्या कहते हैं, देश आगे बढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ, इसके लिए काम करो। इसलिए मित्रों, मोदी हटाने वालों को 2024 में तुमने हटा देना, और देश के विकास करने वाले मोदी जी को आगे बढ़ा दे।